नीमराणा कस्बे के राव सोहनलाल पीजी महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव पारितोषिक वितरण उमंग 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कौशल कुमार यादव ने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षाविद भूप सिंह यादव, समाज सेवी वीर सिंह यादव, आर्य विद्या मंदिर विद्यालय के चेयरमैन रविन्द्र यादव, समाज सेवी वीरेंद्र यादव, सुभाष ठेकेदार, राव मोहनलाल महाविद्यालय के संस्थापक कृष्ण कुमार यादव, निर्देशक नीरज यादव, समाज सेविका भगवती देवी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद वीरेंद्र यादव भूक सिंह यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित करके दिन रात उसी लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रयास करना चाहिए। सपनों में वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। शिक्षा के प्रति उज्ज्वल भविष्य बनाए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आर्य विद्या मंदिर विद्यालय के चेयरमैन रविन्द्र यादव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साबित करते हुए छात्राएं एक बड़ी सोच के साथ कार्य करें तो निश्चित रूप से इन्हें कामयाबी की ऊंचाइयों पर सफलता हासिल होगी। कार्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थानी, घूमर, पंजाबी, हरियाणवी, देशभक्ति गानों, नशा मुक्ति नाटक पर प्रस्तुति आदि। दर्शकों की तालियां बटोरी समस्त अतिथियों का महाविद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा साफा माला स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार यादव ने महाविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन में आगामी सत्र की योजना प्रस्तुत की गई। मंच का संचालन नरेंद्र यादव व नचिता ने किया। राव सोहनलाल महाविद्यालय के संस्थापक कृष्ण कुमार यादव, निर्देशक नीरज यादव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राव सोहनलाल पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार यादव, निदेशक नीरज यादव, योगेश यादव, कुलदीप यादव, सतीश यादव, नरेंद्र कुमार, सपना, साक्षी, कृपा गुप्ता, पूजा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।